हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएनजी लॉग। तो आज है फाइनल दिन, मतलब आज हम बिलासपुर मेरा तीसरा दिन, और आज है फिर से भैया लोग घर जाने का, मतलब यहाँ जाने का हॉस्टल। तो मैं अपना सब कपड़ा वपड़ा को मोड़ के रख चुका हूँ यहाँ पे, और इसको डाल रहा हूँ इसके अंदर फिर से वापस, और आज मैं फाइनली चला जाऊँगा कॉलेज। कल बारिश हो गया था एकदम से, तो नहीं जा पाया था, तो आज फाइनली मैं जा रहा हूँ कॉलेज। तो अभी तो भैया भी मतलब कि नहा वहा खा उक रेडी हो चुके हैं, तैयार हो रहे हैं। तो और भाई एक जने और भाई भैया आएंगे हर्ष, तो उनके साथ भी मतलब वो भी जाएंगे हमारे साथ कॉलेज। तो ये फाइनली मेरा बैग तो हो चुका है एकदम फुल, और वो छोटा वाला बैग उस पार है। तो फिर बाइक वाइक को निकालते हैं और निकलते हैं डायरेक्ट हॉस्टल के लिए। तो मिलते हैं आप लोग डायरेक्ट बाइक पर। गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रायपुर रोड के हाईवे रोड पे, और ये टू लेन मतलब फोर लेन हाईवे रोड है। और ये जो चश्मा देख रहे हो, ये मतलब मेरा वो पावर वाला चश्मा, ये 1 पॉइंट का था। हाँ, 1 पॉइंट का है ये वाला चश्मा, पावर वाला। और वो रहे वो हमारे भाई साहब लोग, और एक भाई और बता रहा था वो गुड्डा मतलब हर्ष, और गुजार दिया। और हम लोग यहाँ भी जाए स्टिंग ना किया था, हो ही नहीं सकता, तो स्टिंग हम लोग ये वाले दुकान से ले लिए हैं। तो अब हम लोग यहाँ से मतलब यहाँ से लगभग कम से कम 8 किलोमीटर और बचा, 5 किलोमीटर बस और बचा है, और थोड़ी दूर अंदर जा मतलब वहाँ जाने के बाद अंदर जाएंगे फिर। अब हम लोग यहाँ तो चलो निकलते हैं डायरेक्ट स्टिंग पी के हॉस्टल के लिए। हॉस्टल में शिफ्ट होना है ना, कैंटीन का भी बताना है, तो फटाफट चलो निकलते हैं यहाँ से डायरेक्ट का LCIT का। तो मिलते हैं हम लोग डायरेक्ट बाइक पे स्टिंग। तो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं LCIT, और यहाँ चेक कर सकते हो आप लोग। और वो रहा हॉस्टल, तो अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल पे अपना बैग वैग सब लेके शिफ्ट होने के लिए। तो चलो मिलते हैं आप लोग, दिखाते हैं कैसा हॉस्टल का व्यू, तो रूम टूर भी आप लोग देंगे। तो फटाफट चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट हॉस्टल। अभी शाम का टाइम है, कोई स्टूडेंट नहीं है इस तरफ, देखो पार्किंग पूरा खाली है। तो चलो फटाफट मिलते हैं आप लोग डायरेक्ट वहीं पर। गाइस, हमारा हो चुका है पोपट हॉस्टल। आज नहीं मिलेगा, मंडे को मिलेगा बोल दिया है जो वहाँ का वार्डन है वो। और वो देख सकते हो वो है गर्ल्स हॉस्टल, और ये बॉयज़ हॉस्टल, और ये कॉलेज बगल में वहाँ गणेश रखे थे। आप सिनेमेटिक पे चेक किए होगा कि सब लोग आए हुए हैं एक जगह पूजा वूजा करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं घर, क्योंकि मिलने वाला हम लोग हॉस्टल मंडे को मतलब सोमवार को। तो चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट घर के लिए। और एक बात और, मंडे को अब सोचना पड़ेगा। तो चलो निकलते हैं डायरेक्ट फटाफट से घर। तो मिलते हैं आप लोग डायरेक्ट बाइक पे। और यहाँ पे तो माहौल कुछ अलग ही है, मौसम एकदम देखो फटाफट चेंज हो जाता है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं फटाफट से घर, क्योंकि बारिश ना हो। और भाई लोग मतलब भैया लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बैग वैग को पूरा ला लिए थे कि वो जाएंगे और हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएंगे बोल के, मगर नहीं हो पाए। तो चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट घर।
हॉस्टल में तो रूम नहीं मिला, आप लोग देखे, और जो मतलब से मंडे को मिलेगा सोमवार को, तो बैग को फिर से ला के यहाँ पटक दिए, मतलब रख दिए हैं। तो अब हम लोग यहाँ से सब्जी वब्जी लेने के लिए जा रहे हैं मैं भैया, और घर से हाई कमांड से मतलब एक ऑर्डर आया कि दीदी पैसा भेजिए मेरे को कि फ़ोन मतलब कि फ़ोन कवर लेके आना मेरा, देखिए। तो अब हम मैं और भैया जा रहे हैं फिर से मार्केट और सब्जी लाएँगे दीदी से, और फ़ोन कवर लेना दीदी के लिए। तो चलो मिलते हैं आपको डायरेक्ट फटाफट भाई। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मतलब ये कंपनी गार्डन के पास में SSS मोबाइल वर्ल्ड में। तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं दीदी इलेक्ट्रिक के लिए कवर, ये राजीव प्लाजा इसके पास में ही जस्ट इसके पीछे। तो हम लोग यहाँ बाहर से ही ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा अच्छा कवर है, देख सकते हो आप लोग यहाँ बाहर में टंगा हुआ है। तो चलो फटाफट देखते हैं कार्ड कवर दीदी के लिए, फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं डायरेक्ट सब्जी लेने के लिए। तो देखना आप लोग के कार्ड कवर। तो भाई हम लोग यहाँ पे हो चुका है कोपर, यहाँ से नहीं मिला रियलमी 8 दीदी का मोबाइल है उसका कवर। तो अब हम लोग जा रहे हैं किसी दूसरे शॉप पे देखने के लिए। तो उससे दूसरे शॉप जाने से पहले एक व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं मस्त, एक नंबर बिलासपुर का। तो चलो वहीं पे जाके मिलते हैं आप लोगों को, मस्त व्यू पॉइंट है, देखना आप लोग वहाँ का। फाइनली गाइस हम लोग जिस व्यू पॉइंट की बात कर रहे थे हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, और अभी हम लोग आए हुए हैं अरपा नंदी। तो यहाँ से कुछ व्यू दे चेक कर सकते हो, ये है हमारा तिरंगा कैसे लहरा है, देखो एकदम खतरनाक, और पानी अपने उफान चढ़ रहा है। न्यूज़ रिपोर्टर तो नहीं हूँ मगर एक ब्लॉगर हूँ, तो ये दिखाना बनता है यहाँ का खूबसूरती। तो यहाँ आप देखो कितना ज़्यादा भीड़ है, और उस साइड और एकदम वो है, आप लोग रास्ते में देखो कि रास्ता का जो रहता है उसमें। तो यहाँ का सिनेमेटिक चेक कर लो आप, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे 10-15 मिनट बैठने के बाद, तो सिनेमेटिक हो जाए एक। गाइस आप लोगों ने यहाँ सिनेमेटिक चेक कर लिया होगा, ये देखो कितना मस्जिद है। तो अभी हम लोग वहाँ से यहाँ पे आ गए हैं भैया, स्कूटी अपना निकाल लिए। तो अब हम लोग यहाँ जा रहे हैं एक यहाँ के सुपरस्टार से मिलने के लिए। तो चलो यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट फटाफट उनके ही पास। Oh,
गाइस हम लोग द्वारपा नदी से निकल के आ चुके थे यहाँ पे फूड्स गेट, मतलब यहाँ पे एक बार और आए थे, अगली बार देखे हुए थे, तो चलो ना आ रहा हूँ मैं भैया, हाँ आ रहा हूँ मैं, तो यहाँ देखे थे अगली बार आप लोग। तो अभी तो दीदी के लिए मोबाइल कवर लेने के लिए नहीं गए हैं, और जो कि हम लोग राजीव प्लाजा ही जाएंगे वहीं पर ही मिलेगा। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं आशीष भैया, आशीष शर्मा यहाँ के एक बेस्ट, मतलब बिलासपुर बेस्ट सिंगर है उनके पास। तो भैया के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने, तो उनका गाना वाना सुनते हैं और आप लोग भी सुनाते हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे राजीव प्लाजा के लिए। तो यही तो आज उनका एकदम मस्त लग रहा है, तो चलो उनसे मिलते हैं, मतलब उनका गाना वाना सुनाते हैं आप लोग। तो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं इस वाले कैफे से, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये आ रहे हैं लुक्मी भैया, मतलब आशीष भैया। तो ये मेरे काफ़ी लंबे समय जानते हैं, मतलब हम लोग गुलजार भैया के बचपन के स्कूल फ्रेंड थे, और ये चेक कर सकते हो भैया एकदम बेस्ट सिंगर बिलासपुर। तो इंस्टाग्राम में मतलब ये चेक करूँगा, इनको देख लेना इंस्टाग्राम में, आप लोग फॉलो किए होगे। तो अब तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट निकलेंगे, तो क्या मोबाइल का कवर लेने के लिए दीदी के लिए, तो चलो निकलते हैं फटाफट। और भैया देख लो एकदम मस्त, तो चलो मिलते हैं आप लोग डायरेक्ट बाइक में। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं राजीव प्लाजा, यहाँ से देख सकते हो पूरा चारों तरफ पूरा मतलब मोबाइल का ही दुकान है। और हम लोग यहाँ से ले लिया दीदी के लिए मस्त एक कवर, तो उसको दिखाएं कि ना, चलो दिखा ही देते हैं। देख सकते हो ये वाला कवर को हम लोग दीदी के लिए लिए हैं, इसका लाइट ऑन करके दिखाते हैं ये कैसा लग रहा है, एकदम मस्त, बहुत अच्छा कम प्राइस में मिल जाता है ये कवर, 200 पड़ा है। और मेरा कवर भी उतना ही का था, मतलब थोड़ा मेरा महंगा था, 300 का था। तो अब हम लोग तो यहाँ जाने वाले हैं घर, क्योंकि अभी 10 बज गया है और सब्जियाँ लेने के लिए हम लोग आए हुए थे, मगर कॉल करके दीदी बोले तो सब्जी और खाना वाना बना लिया बोल के, जो आया था ठेले वाले उसके पास ले लिए। तो ये वाला कवर कैसे लगा कमेंट जरूर बताना दीदी के लिए, मस्त एकदम स्पेशल। तो चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं डायरेक्ट घर। और ये रहे भैया जी, यहाँ से देखो एकदम मस्त खतरनाक व्यू, वो चेक कर सकते हो, वो हमारा स्कूटी है। तो चलो यहाँ से फटाफट निकलते हैं डायरेक्ट घर, एकदम लेट नहीं करते हैं, 10 बज गया, जाके थोड़ा सा वीडियो जो भी एडिट करना है मेरे को,
और वो एक झंडे भैया भी आने वाले हैं शहर तक, और वो देखे हुए लुकली शर्मा आदमी हमारे शर्मा भैया आशीष शर्मा नाम है उनका, तो वो एकदम बेस्ट सिंगर है यहाँ के, मतलब है कई केसेस में एकदम, मतलब कि जो मेरे कॉलेज है वहाँ भी प्रोग्राम हुआ था तो उसमें भी गए थे। तो चलो यहाँ की करते फटाफट से हम लोग घर, ये वाला कवर कैसे लगा कमेंट पर ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं आप लोग डायरेक्ट बाइक पर। हम लोग आ चुके हैं घर, रास्ते में मतलब वहीं से सब्जी नहीं लिए हैं क्योंकि रात हो गया था और दुकान वकान सब शॉप बंद हो चुका था। तो आप लोग एक न्यूज़ दे दूं कि कल अभी यहाँ पे मतलब 3 दिन, कल तो मतलब कि कल का छुट्टी भी रहेगा, कल शनिवार है, परसों संडे, फिर सोमवार को फिर चालू हो जाएगा और शायद तक मतलब कि 3 दिन अभी मेरे को रूम नहीं मिलेगा। तो मैं जा रहा हूँ कुछ अपना डॉक्यूमेंट को सब भूल गया था, कुछ कुछ कपड़ा वपड़ा को, तो उसको लेने के लिए मैं कल जाऊँगा घर। और ये चेक कर सकते हो आप लोग देख ले जो कवर लिए मस्त दिख रहा लाइट पे, और तो उसको पसंद आएगा कि नहीं उसको तो घर ही जा पता चलेगा। तो अभी तो हम लोग मतलब कि कल जाने वाला हूँ मैं घर, तो अपना डॉक्यूमेंट को भूला था उसको लाने के लिए। और एक चीज़ और क्या है गैस करो, क्या बोलने वाला हूँ क्या बोलने वाला हूँ, 1 2 3 सोचे हो गया फिर नहीं पता भाई, मगर जो बता दूँ आशीष भैया वो जो कैफे में गाना गा रहे थे वो गुलजार भैया बहुत पुराने दोस्त, बहुत पुराने दोस्त, तो वो पहले से मैं जानते थे और वो एकदम बेस्ट सिंगर, वो उनका मैं फ़ैन हो गया एकदम जहर जवरा वाला फ़ैन। तो उनको तो मैं बहुत पहले से इंस्टा में फॉलो करके रखा था, उनको उनका हर एक गाना सुनता था मैं, और आज उनको एकदम सामने में मतलब वो गाते हुए देखा बहुत अच्छा लगा। तो अब तो मतलब हम लोग आ गए मैं भैया घर, तो खाना वाना खा हम लोग आराम करेंगे। तो इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे, इन मिलते हैं गाय। हाँ, ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Yeah।